हेलो दोस्तों, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मेलिसा पी मूवी को। ये कहानी 15 साल की लड़की मेलिसा की है। मेलिसा के भोलेपन की वजह से सभी लोग उसका काफ़ी फायदा उठाते हैं, जिससे परेशान होकर वो उन सभी लोगों के साथ इंटीमेट होना शुरू कर देती है। मगर इसके बाद मेलिसा के साथ जो होता है वो आपको आगे की स्टोरी देखने पर पता चलेगा। मगर कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो कहानी शुरू होती है और हम मेलिसा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी मॉम और ग्रैंड मदर के साथ रहती है। हम देखते हैं कि उसकी ग्रैंड मदर काफ़ी सिगरेट पीती है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत अक्सर ख़राब रहती है। लेकिन मेलिसा अपनी मॉम से ज़्यादा अपनी ग्रैंड मदर के काफ़ी क्लोज थी। अब एक दिन मेलिसा अपने आप को टच कर रही होती है, लेकिन तभी उसकी मॉम वहाँ आ जाती है। इसके बाद वो खुद को रोक लेती है, मगर ऐसा करने से उसे काफ़ी खुशी मिली थी। इसके बाद मेलिसा अपनी फ्रेंड के साथ डैनियल के घर पर जाती है। डैनियल मेलिसा का क्लासमेट था और आज उसके घर पर पार्टी थी। मेलिसा यहाँ पे काफ़ी नर्वस थी क्योंकि डैनियल उसके बचपन का क्रश था, मगर डैनियल ये बात नहीं जानता था। इसके बाद सभी लोग स्विमिंग करने लगते हैं, तभी डैनियल मेलिसा को भी पानी में खींच लेता है। हम देखते हैं कि मेलिसा को स्विमिंग करनी नहीं आती थी, मगर जब डैनियल को ये बात पता चलती है तो वो उसे पकड़ कर किनारे पर ले आता है। इसके बाद डैनियल उसे कहता है कि वो उसे कुछ दिखाना चाहता है। ये सुनकर मेलिसा पहले तो घबरा जाती है और सोचने लगती है कि वो आखिर उसे क्या दिखाना चाहता है। मगर डैनियल उसे अपना गार्डन दिखाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें स्विमिंग करना सिखाऊंगा, मगर उसके लिए तुम्हें हर रोज यहाँ अकेले आना होगा। ये सुनकर मेलिसा काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि डैनियल उसके बचपन का क्रश था और इसी वजह से वो डैनियल को हाँ कर देती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ बैठकर बातें करने लगते हैं और तब मेलिसा डैनियल को बताती है कि वो अभी तक वर्जिन है। मेलिसा की बातें सुनकर डैनियल समझ जाता है कि मेलिसा उसे पसंद करती है। ये जानकर डैनियल उसकी फीलिंग्स का फायदा उठाता है, जिस पर मेलिसा उसे मना नहीं कर पाती। अब अगले दिन स्कूल में मेलिसा डैनियल का इंतजार कर रही होती है, मगर डैनियल स्कूल में नहीं आता। और असल में डैनियल उस दिन के बाद मेलिसा को नहीं मिला और ना ही उसने कभी उससे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की। यहाँ पर मेलिसा की दोस्त उसे कहती है कि तुम उसे भूल जाओ, मगर मेलिसा उसकी बात नहीं मानती। इसके बाद वो अपनी बुक में लिखती है कि वो डैनियल को कभी माफ़ नहीं करेगी। अब कुछ दिनों बाद मेलिसा को पता चलता है कि डैनियल एक क्लब में है, तो अपनी फ्रेंड को लेकर उस क्लब में जाती है, जहाँ कई दिनों बाद मेलिसा डैनियल को देखती है। यहाँ पर डैनियल भी उसे देख लेता है और उसके पास आकर उसे कहता है कि अब तुम काफ़ी बड़ी हो गई हो। उनकी बातें चली रही होती है, तभी डैनियल का एक दोस्त वहाँ आकर मेलिसा की तारीफ करने लगता है। ये सुनकर डैनियल भी मेलिसा की ओर अट्रैक्ट होने लगता है और उसे अकेले में चलकर बात करने के लिए कहता है। मेलिसा ये सुनकर उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। डैनियल उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ वो दोनों इंटीमेट होते हैं। मेलिसा उसे कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है, मगर डैनियल तो बस उसका फ़ायदा उठाना चाहता था, इसलिए वो उसकी इंसल्ट करके वहाँ से चला जाता है। इस इंसिडेंट के बाद मेलिसा काफ़ी बदल जाती है क्योंकि डैनियल ने उसे काफ़ी हर्ट किया था, इसलिए मेलिसा अब फैसला करती है कि वो भी अब सभी लोगों के साथ ऐसा ही करेगी। वो खुद से वादा करती है कि अब वो किसी की भी फीलिंग के बारे में नहीं सोचेगी। इसके बाद मेलिसा की ग्रैंड मदर की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। इस वजह से मेलिसा की मॉम उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना चाहती थी, मगर मेलिसा को ये सब गलत लग रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी मॉम उसे ग्रैंड मदर से दूर करना चाहती है और इसी बात पर मेलिसा अपनी मॉम से झगड़ने लगती है। अगले दिन मेलिसा स्कूल जाती है, मगर वो काफ़ी उदास होती है, जिस वजह से सब लोग उसका काफ़ी मजाक उड़ाते हैं। पर उसकी क्लास में मार्को नाम का लड़का उसकी फीलिंग को समझ रहा था। स्कूल के बाद मेलिसा अपनी फ्रेंड के साथ कॉफी शॉप पर जाती है। यहाँ पर एक आदमी मेलिसा को देखने लगता है। इस पर मेलिसा अपनी फ्रेंड को कहती है कि देखो कैसे वो उस आदमी को अट्रैक्ट करती है। जैसे ही वो आदमी मेलिसा के पास आने लगता है तो वो दोनों वहाँ से उठकर चली जाती है, क्योंकि मेलिसा ने फैसला कर लिया था कि वो दूसरों की फीलिंग के साथ खेलेगी। घर पर मेलिसा अपनी ग्रैंड मदर को देख कर काफ़ी खुश हो जाती है, लेकिन उसकी ग्रैंड मदर मेलिसा को देखकर समझ जाती है कि वो अब काफ़ी बदल चुकी है। ये बात जब वो उसकी मदर को बताती है तो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। इसके बाद वो उसे खुद ही समझाने लगती है। अगले दिन मेलिसा को डैनियल का फ़ोन आता है और डैनियल उसे कहता है कि वो उसे बहुत मिस कर रहा है, जिसका मतलब अब तक आप समझ गए होंगे। मेलिसा भी पुरानी सारी बातें भूलकर उसके पास जाती है, क्योंकि डैनियल की बातें सुनकर उसे लग रहा था कि वो अब सुधर चुका है। यहाँ पर वो दोनों मिलते ही किस करने लगते हैं। इसके बाद डैनियल उसे आंखें बंद करने के लिए कहता है। मेलिसा जैसे ही अपनी आंख बंद करती है
तो डैनियल वहाँ पर अपने दोस्त को बुला देता है और उसका दोस्त मेलिसा को किस करने लगता है। दरअसल डैनियल अपने साथ साथ उसे भी घोड़ी चढ़ाना चाहता था। ये देखकर मेलिसा वहाँ से जाने लगती है। डैनियल उसे मनाने की कोशिश करता है मगर मेलिसा अब सब कुछ समझ चुकी थी, इसलिए वो डैनियल को जलाने के लिए उसके दोस्त को किस करने लगती है। अगले दिन वो ये सारी बातें अपनी फ्रेंड को बताती है। ये सुनकर उसकी फ्रेंड उसे इन चीज़ों से दूर रहने के लिए कहती है और उस पर काफ़ी गुस्सा भी हो जाती है, मगर मेलिसा उसकी बातों को इग्नोर कर देती है क्योंकि ऐसा करने से उसे काफ़ी खुशी मिली थी। अब मेलिसा एक अडल्ट साइट पर अपना फेक अकाउंट क्रिएट करती है ताकि वो अपनी मन की बात सबके साथ शेयर कर सके। एक दिन मेलिसा एक म्यूजियम में जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात म्यूजियम के एक वर्कर से होती है। तब वो उसके साथ भी इंटीमेट हो जाती है, जिसके बाद वो इन सारी बातों को अपनी डायरी में लिखने लगती है। एक दिन मेलिसा की डायरी उसके क्लासमेट चुपके से पढ़ रहे थे। यहाँ पर उनके साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड भी थी। मेलिसा को जब ये बात पता चलती है तो उन सभी से काफी नाराज हो जाती है और उन्हें गाली देकर वहाँ से चली जाती है और साथ ही अपनी बेस्ट फ्रेंड से भी दोस्ती तोड़ देती है। वहाँ से मेलिसा अपनी ग्रैंड मदर से मिलने आती है मगर वो देखती है कि उसकी ग्रैंड मदर को उसी की एज का एक गबरू नौजवान बूढ़ा मिल गया है और वो उसके साथ काफ़ी खुश है। ये देखकर मेलिसा भी खुश हो जाती है और उन्हें बिना डिस्टर्ब किए वहाँ से चली जाती है। अब मेलिसा काफ़ी अकेली पड़ गई थी क्योंकि अब उसकी फीलिंग समझने के लिए ना तो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और ना ही उसकी ग्रैंड मदर। अगले दिन मेलिसा स्कूल जा रही होती है तब उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके पास आकर उससे सॉरी कहने लगती है, लेकिन मेलिसा उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि मार्को मेलिसा को देख रहा था। दरअसल मार्को मेलिसा को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था मगर मेलिसा ये बात नहीं जानती थी। मार्को मेलिसा और डैनियल के बारे में सब कुछ जानता था मगर फिर भी वो उसे पसंद करता है। अब मेलिसा को अर्नाल्डो का फ़ोन आता है और वो मेलिसा को अपने पास बुलाता है। अर्नाल्डो उसे एक अंडरग्राउंड जगह पर लाया था मगर यहाँ आने से पहले ही उसने मेलिसा की आँख पर पट्टी बांध दी थी क्योंकि वो उसे सरप्राइज देना चाहता था। हम देखते हैं कि वहाँ पर उनके साथ चार लोग और भी थे जो अब मिलकर मेलिसा के साथ ओरल सेक्स करते हैं। मेलिसा ने अब तक जो भी किया था वो अब पूरे स्कूल में फैल चुका था, इसलिए हर कोई उसकी ही बात कर रहा था जिससे उसकी काफ़ी बदनामी होने लगी थी। मेलिसा को अब अडल्ट साइड पर एक आदमी मिलने के लिए बुलाता है तो मेलिसा बिना कुछ सोचे समझे वहाँ पर चली जाती है। इधर घर पर उसकी मॉम को उसकी डायरी मिल जाती है और वो उसे पढ़कर समझ जाती है कि उसकी डॉटर कितनी बड़ी प्रॉब्लम में है। वो मेलिसा को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है मगर मेलिसा फ़ोन नहीं उठाती। इसके बाद उसकी मॉम मेलिसा की ग्रैंड मदर से मिलने जाती है ताकि वो मेलिसा से बात करके उसे समझा सके, लेकिन हॉस्पिटल पहुँचने पर उसे पता चलता है कि उसकी ग्रैंड मदर की ऑपरेशन के दौरान मौत हो चुकी है। ये सुनकर मेलिसा की मॉम काफ़ी दुखी हो जाती है। इधर मेलिसा एक बूढ़े आदमी के पास गई थी। वो आदमी उसे अपने शरीर पर कोड़े मारने को कहता है, इसलिए मेलिसा उसे कोड़े मारने लगती है। ये करने में उस आदमी को काफ़ी मजा आता था मगर अब वो आदमी मेलिसा को मारने लगता है। वो काफ़ी ब्रूटल तरीके से उसे कोड़े मार रहा था जिससे बचते हुए मेलिसा किसी तरह से वहाँ से भाग जाती है। वहाँ से निकलकर मेलिसा हॉस्पिटल में आती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी ग्रैंड मदर अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर मेलिसा रोने लगती है। तब उसकी मॉम उसे डायरी के बारे में पूछती है। काफ़ी फोर्स करने के बाद मेलिसा ना चाहते हुए भी उन्हें सब कुछ बता देती है कि जो भी उस डायरी में लिखा है वो सब सच है। यहाँ पर उसकी मॉम उससे गले लगकर माफ़ी मांगने लगती है। वो कहती है कि अगर वो मेलिसा को टाइम देती तो ये सब नहीं होता। मेलिसा को भी अब अपने किए पर पछतावा हो रहा था, इसलिए वो अब अपनी सारी गंदी आदतों को छोड़ने का फैसला करती है। कुछ टाइम बाद जब मेलिसा स्कूल जाती है तो वो देखती है कि डैनियल अपने दोस्त के साथ लड़ रहा था क्योंकि उसी की वजह से मेलिसा सभी लड़कों के साथ इंटीमेट हुई थी। इसके बाद डैनियल मेलिसा से बात करने की कोशिश करता है पर अब मेलिसा उसे बिल्कुल भी नोटिस नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। कहानी के एंड में हम देखते हैं कि मेलिसा पूरी तरह से चेंज हो चुकी है और अब वो अपनी मॉम के साथ बहुत खुश है। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।